आइडियल इंडिया टीवी। फरकाबाद के फतेहगढ़ से आ रही है बड़ी खबर। एक शोरूम पर बड़ी कार्रवाई होने का आ रहा है मामला। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट की एक और बड़ी कार्रवाई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव द्वारा माई कार शोरूम के अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में टावा बरेली हाईवे पर नेकपुर में बने माई कार शोरूम का है ये मामला। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा न करने पर माई कार शोरूम को किया गया है सील। माई कार शोरूम के अवैध निर्माण के खिलाफ सन 2011 से चल रही थी ये कार्रवाई। आइए सुनते हैं नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव का क्या कहना है। माई कार शोरूम एक अवैध निर्माण है जिस पे 2011 से कार्रवाई चल रही थी और इसके बाद नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड में के द्वारा भी इनका अवैध निर्माण के खिलाफ गिराने का ही आदेश हुआ था। इसके पश्चात में इनके द्वारा आवेदन किया गया भू उपयोग परिवर्तन के लिए, जिसके लिए जो फीस निर्धारित थी शासन द्वारा वो इनके द्वारा जमा नहीं की गई। इसके आधार पर हमने पिछले महीने इनका सील का आदेश किया था, परंतु इनके द्वारा किसी भी प्रकार का जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है वो जमा नहीं किया गया और इसलिए इनका भवन आज सील किया गया। मैडम, ये भवन कब निर्माण हुआ था? जी कितने वर्ष हो गए? 2011 बताया मैंने आपको, 2011 से ये भवन निर्माण था और जिसपे कि इसे अवैध बताया गया। मैडम, जब निर्माण हो रहा था तो उस पीरियड में उस पीरियड में मैं मौजूद नहीं थी, परंतु फिर भी जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो पत्रावलियों पर उपलब्ध हैं। सभी लगातार 12 वर्ष से इन पर कार्रवाई चल रही है। मैडम, शुल्क कितना बन रहा है इनका? मैं ये कार्यालय में पत्रावली देख कर बता पाऊँगा। आइडियल इंडिया टीवी।